बच्चों स्क्रीन दिख रहा है यस गाइस? एक तो है ना, मैंने तुम्हें बताया भी था लेकिन स्टिल मैं लिख रहा हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज LiAlH4 और सोडियम बोरोहाइड्राइड इज NaBH4। दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट है, दोनों के बारे में मेरे ख्याल से हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, है ना, रिडक्शन जब पढ़ रहे थे। बोलो गाइस। यस गुड। अब इस क्वेश्चन को करो बच्चों, आई हैव गिवन यू अ क्वेश्चन, सॉल्व इट एंड लेट मी नो। करो गाइस इसे फटाफट करो। हमें दे रखा है C3H6 NbS gives A, HBr peroxide के साथ gives B, Na ether के साथ gives C, A में KCN डाला gives D, फिर उसके बाद हमने HCO+ डाला और नेक्स्ट स्टेप में हमने ऑक्सीडाइज कर दिया, वी गेट E। तो वी हैव टू फाइंड आउट ऑल A B C D E। करो बच्चों। हाँ बेटा, तुम्हारा C3H6 क्या हो गया? CH3CH डबल बॉन्ड CH2, हाँ है ना बच्चों? यस। NBS क्या करेगा गाइस? सर एलाइलिक सब्स्टिट्यूट। एलाइलिक पे किसका बेटा? DM। गुड। Na इधर क्या करेगा बच्चों? सॉरी, अब इसने दिया है HBr peroxide, कहाँ पे लगाओगे बेटा? सर राइट साइड पे Br लाइन। वेरी नाइस। दैट वाज नाइस। यहाँ पे मैं पहली मिस्टेक एक्सपेक्ट कर रहा था बच्चों से। Na इधर क्या करेगा बच्चों? सर ज्वाइन कर देगा Br हटा के दो मॉलिक्यूल। ओके, एक मिनट रुक जाओ बेटा, गजब काम है बच्चों के। हाँ बेटा बोलो, क्या कह रहे थे? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन बनाएगा, तुमने दो मॉलिक्यूल उठा लिए उसके, है ना? यस। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी? साइक्लोप्रोपेन की भी थी। यस सर साइक्लोप्रोपेन, लेकिन यील्ड पुअर थी। ये वुड्स हो गया बच्चों, इंट्रा मॉलिक्यूलर वुड्स। ठीक है, ये इंट्रामोलिकुलर, ये इंटरमोलिकुलर, फाइन। मेजर कौन सा होगा इसमें से? राइट। अब उसने क्या कहा? ए में हमने केसीएन दे मारा, इसको मैं नीचे लिखता हूं। केसीएन दे मारा, क्या करेगा बेटा? बीआर की जगह से हाइड्रोलिसिस किया, क्या करेगा बेटा? सर कार्बोक्सिलिक एसिड। गुड। और ऑक्सीडेशन करने पे क्या देगा बेटा? बताओ। होगा मतलब तो ऑक्सीडेशन हो गया ना बेटा, बताओ। हाँ सर, वो O का डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पे। हाँ यस सर, दोनों तरफ डबल बॉन्ड, दोनों तरफ COH COH मेलोनिक एसिड बन जाएगा, हाँ है ना? सर ये वही ओजोनोलिसिस है, ये कुछ और? ये हमारा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, या ऐसे मान के लो ओजोनोलिसिस सोचो, या हॉट एसिडिक केमिनोफोर सोचो, ऑक्सीडेशन कर रहे, मतलब उसने जिंक नहीं दिया है, सो विल गो फॉर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन बेटा। ओके सर, समझ गए? विल गो फॉर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन। और साइड प्लॉट क्या बनेगा बेटा? HCOH जो कि ऑक्सीडाइज होके CO2 और H2O देगा, हाँ है ना बच्चों? यस यस। अभी बता दो इसमें कितने, मतलब आंसर कितने बच्चों का आंसर सही था पहली चीज, और कितना सही था? बोलो। अरे ना बेटा तुम बताओ कितना सही था बेटा? अर्णव सारे सही थे। गुड। हाँ कुछ कह रहे हो? ऊपर कर दो, ये लो बेटा यहां से करो बेटा नोट।
हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन है साइक्लोपेंटेन, उसमें बी आर टू हीट दिया ए, एल्कोहलिक क्यू एच गिव्स बी, एन बी एस डाला सी, ए में एक्वस क्यू एच डाला डी, डी में एन ए डाला ई, एंड सी प्लस ई गिव्स एफ प्लस जी। एफ और जी में से तुम्हें ये भी आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई मेजर प्रोडक्ट, मेजर कौन सा होगा। करो बच्चों, हाँ बच्चों, साइक्लोपेंटेन लिया हमने, इसमें बी आर टू हीट डालोगे तो तुम्हारा ये बनेगा एल्कोहलिक क्यू एच डालोगे, एल्कीन बनेगा, एनबीएस डालोगे, एक काम करता हूँ मैं डबल बॉन्ड को यहाँ बनाया था कन्वीनियंस के लिए, और यार फिर वो यहीं पे बनाना पड़ेगा मुझे, बी आर वहां पे लगाया ना मैंने। अब हमने क्या डाला था इसके बाद, एनबीएस, एनबीएस डाला हमने, तुम्हारा ये बन गया। फाइन गाइस, यहाँ तक किसी बच्चों को कोई डाउट? हाँ सर। अब नेक्स्ट में उसने क्या कह रखा है, ए, ए इज दिस, ए में उसने क्या डाला, एक्वस KOH, तो हमारा बी आर हटके ओ एच लग गया, तो इसमें एन ए डाला तो ओ एन ए बन गया, बेसिकली ओ एन ए का मतलब है ओ माइनस बन गया। अब इन दोनों को रिएक्ट करा है ना, हम कहेंगे इधर ध्यान से देखो, ये आर बी आर है और ये आर डैश ओ एन ए है, क्या करेगा बच्चों, व्हाट इज द रिएक्शन दैट यू एक्सपेक्ट सर, एन ए बी आर बार नेगेटिव और आर डैश हो, हां बी आर हटके ओ आर डैश लग जाना चाहिए, यस करेक्ट, दैट इज वन पॉसिबिलिटी, तो एक पॉसिबिलिटी को हम कवर कर देते हैं। हाँ है ना, ये बन जाएगा, नहीं बन जाएगा बच्चों? यस यस। अब द प्रॉब्लम इज द अदर प्रॉड, मेरे ख्याल से यस, थोड़ा सोचो, थिंक, इन फैक्ट अगर मैं कहूं ये प्रोडक्ट माइनर होगा, व्हाट डू यू से, सोचो, हम क्या कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस कब होता है बेटा, जब आर बी आर क्या होता है, आर एक्स क्या होता है, 1 डिग्री, याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, 2 डिग्री 3 डिग्री होता है, तो क्या बनता है बोलो, इफ आर एक्स इज 2 और 3 डिग्री व्हाट डू यू गेट, बोलो बच्चों, एल्कीन, एल्कीन, गुड, सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, एंड इन फैक्ट दैट इज गोइंग टू बी मेजर, क्योंकि ये 2 डिग्री है, दिस इज गोइंग टू बी माइनर, हाँ या ना, बोलो बच्चों, यस, गुड, एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, बच्चों क्वेश्चन देखो, एच प्लस हीट डाला, NBS CCL4 डाला, NABD4 डाला, यहाँ पे हमने HBr लिया, फिर इसमें Li first step, CuBr second step, Q ये वाला Q है बच्चों, उसके बाद NBS CCL4 लिया, H2PdC in MuH लिया, alcoholic QH लिया, ये लिया, you have to tell me the all the products, और ने क्या रखा है इसको, इससे जो product बना, this is this, cyclohexanone, फाइंड आउट ऑल द मिसिंग प्रोडक्ट्स, करो बच्चों।
मैच करते आना गाइस। एच प्लस हीट के बाद यू विल गेट एल्कीन, एन बी एस सी सी एल फोर के बाद यू विल गेट ब्रोमीन, एन ए बी डी फोर के बाद, एन ए बी डी फोर क्या करता है बच्चों, हैलोजन हटा के एन ए बी एच फोर क्या करता है कोई बताएगा मुझे? डबल बॉन्ड को तो टच नहीं करता, हाँ है ना? हैलोजन को हटा के हाइड्रोजन लगाता है, बी डी फोर है तो ड्यूटेरियम लगाएगा, हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? अब एच बी आर डालोगे तो हमारे पास बनेगा ओ एच के बजाय बी आर लग जाएगा। अब इसने एल आई डाला, सी यू बी आर डाला, जब तुम्हें इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, पहले यहाँ पे एल आई बन जाएगा, आर एक्स प्लस एल आई क्या बनाता है, आर एल आई, आर एल आई में सी यू एक्स डाल दो तो क्या बनता है, आर डू सी यू एल आई टाइप, है ना बच्चों? Yes, sir. जो हमारा कोरे हाउस था। आइडिया क्या है, इस पे चार्ज क्या आ गया है, क्रक्स चीज क्या है, इस पे चार्ज आ गया है नेगेटिव। अब हमने यहां से उठाया Q, Q क्या था बच्चों, Q was this, करेक्ट? फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? This is what you had. इन दोनों की रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, दैट इज वन थिंग दैट कैन बी फॉर्म, आए ना बच्चों? दैट इज वन थिंग दैट इज पॉसिबल। ये तुम्हारा इन एनी केस ये भी कर सकता था क्या, यहां से हाइड्रोजन ले जाए, राइट बच्चों? अभी तो मैं नॉर्मल इसको इधर ज्वाइन करवा रहा हूँ ब्रोमीन हटा के, तो हमारा क्या बनेगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, हाँ है ना, समथिंग लाइक दिस। बेसिकली इसको इसका ज्वाइन किया है मैंने, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों बताओ? यस। अब उसने फिर क्या डाला है, एन बी एस सी सी एल फोर, एक कोरे हाउस है तो हमें पता है कि हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है रेदर देन एलिमिनेशन, आर आर डैश बनता है नहीं बनता है गाइस, रेदर देन गोइंग फॉर एलिमिनेशन वी विल गो फॉर सब्स्टिट्यूशन। अब हमें बताया ब्रोमीन दो जगह लग सकता है, नीचे बेटा, नीचे, हाँ बेटा, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, कहाँ पे करोगे बच्चों? लेफ्ट में। उसके बाद हम किस में जाएंगे, एन ए बी डी फोर, नहीं एन ए बी डी फोर तो इसका लिखा हुआ है यार, ऊपर क्या लिखा था, एस टू पी डी सी, ये क्या करेगा बच्चों, ये हमारा डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है इफ यू रिमेम्बर। यस, एल्केन्स की सेकंड या थर्ड रिएक्शन हमने ये करी थी। अब हमने क्या डाला इसमें, वो क्या डाला था, अल्कोहलिक के ओ एच, तुम्हारा एल्कीन बनेगा कहाँ पे बनेगा बच्चों, लेफ्ट, दैट्स नाइस। और फिर जब इसका तुम ऑक्सीडेशन करोगे तो यही बनेगा, हाँ है ना बच्चों? यस सर, गुड। किसी बच्चों को डाउट यहाँ तक नहीं, गुड, लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। बच्चों ये हमारे दो क्वेश्चन हैं, लेट दिस बी ए, लेट दिस बी बी, करो बच्चों, ए और बी मैंने दो क्वेश्चन दिए, करो गाइस। जल्दी हो जानी चाहिए रिलेटिवली, हो जाए तो बता देना। यस, ओके बच्चों, इसको मैं फिर से स्पेसिफाई कर दूं, अभी बताया था मैंने दिस इज हॉट एसिडिक केमिनोफोर बच्चों, आई मीन डोंट थिंक ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ ओजोनलेसिस। ऊपर तुम्हारी रिएक्शन इसलिए चल गई थी क्योंकि ओजोनलेसिस एंड हॉट एसिडिक केमिनोफोर दे वर्क सेम इन एल्कीन्स, दिस इज एक्चुअली hot acidic
KMnO4 hot acidic KMnO4। हाँ तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला ए गाइस, बीआर में C2H5Cl डाला, क्या करेगा बच्चों? ऑर्थो और पैरा पे अटैक होगा। yes. हम ऑर्थो बनाएंगे क्योंकि वो माइनर होता है। अब NBS डाला तो अलाइलिक पोजीशन या बेंजाइलिक पोजीशन पे क्या लग जाएगा बच्चों? BR। उसके बाद क्या डाला है बच्चों? एल्कोहलिक KOH। ये क्या करेगा? BR CH डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद क्या डाला है बच्चों? NiAl। ये क्या करेगा बच्चों? बीआर हटा के ऐसा। राइट, होल्ड ऑन, दैट्स नाइस। ये क्या है बच्चों, कोई बताएगा मुझे इस कंपाउंड का नाम? वो पढ़ा है ना तुम लोगों ने पॉलीमर्स, तो ये तो जरूर आया है। बताओ बच्चों, पॉलीमर पढ़ाए तो ये तो जरूर आएगा। स्टायरीन, अब याद आ गया? yes. ब्यूनाइस, ब्यूटाडाइन एंड स्टायरीन। नेक्स्ट पे आते हैं, बीआर में CuCN करोगे तो CN बनेगा, हाँ है ना? Yes. CN में हमने HCO प्लस डाला, COH बनाएगा। COH में हमने LiLH4 डाला, ये क्या करा था हमने? HCO प्लस डाला था। इसमें हम LiLH4 करोगे, क्या बनाएगा बच्चों बताओ? बेंजाइल। हाँ हाँ, रिड्यूस करके अल्कोहल पे गिराता है, रिमेम्बर दैट। CH2OH। जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी बेंजल्डिहाइड की, वो दो तरीके करी थी, टॉलुइन में ही दो केस देखे थे हमने। अभी मैं बताता हूं, बी वाले में सेकंड में क्या होगा? CH3Br देके मारा, CH3Br देके मारोगे, CH3Br और Na, है ना बेटा? तो गाइस ये हमारी हो जाएगी वुड्स फिटिंग, बीआर बीआर हट गया, इनके बीच में बॉन्ड बन गया, टॉलुइन बन गया, नहीं बन गया बच्चों? और टॉलुइन में या तो तुम डालो Cl2 और डालो क्या बच्चों, क्या डालोगे? एक्वस KOH, बेंजाल्डिहाइड बनेगा। याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है? क्योंकि इसमें हम एक क्लोरीन नहीं लगाएंगे, दो लगाएंगे, NCERT में दो दे रखा है, हाँ है ना? देयर वाज अ वे टू प्रिपेयर बेंजाल्डिहाइड। या फिर तुम इसमें क्या डाल दो, CrO2Cl2। ये करवाया था, नहीं करवाया था मैंने? ब्रोमाइल क्लोराइड, टर्म कुछ याद आ रही हो ऐसी? दोनों से तुम्हारा क्या बनता है बच्चों? यू गेट बेंजाल्डिहाइड। एनीवे, इसमें हमने क्या डाला? ऑक्सीडेशन करवा दिया। हॉट एसिडिक KMnO4 क्या करेगा बच्चों? COH, हाँ है ना? और इसमें LiLH4 डालोगे तो ऑब्वियसली बात है अल्कोहल पे जाके छोड़ेगा, हाँ है ना बच्चों? yes. तो गाइस मेरे ख्याल से अब तुम्हें याद हो जाना चाहिए कि एसिड का LiLH4 क्या बनाता है? अल्कोहल, हाँ या ना? यस।
एक और क्वेश्चन करते हैं गाइस। बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, C6H7N में NaNO2HCl 0-5 डिग्री सेल्सियस, फिर CuCl HCl हीट, फिर PHCH2Cl NaMe2O और फिर एक्वस KOH, सॉरी NBS और उसके बाद एक्वस KOH। यू हैव टू टेल मी द प्रोडक्ट्स। बच्चों निकालो। बच्चों देखो C6H7N क्या है बच्चों, आगे से ही पता चल जाता है क्या होगा, एनिलीन। yes. पहले बना डायजोनियम सॉल्ट, उसके बाद CuCl HCl से बना क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट रिएक्शन इज काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट, हिट नहीं करता, कौन सी है बच्चों को बताएगा मुझे? वुड्स फिटिंग, क्योंकि ये Me2 इज एक्चुअली योर ईथर, Na ईथर, तो ये हमारा क्या बना देगा बच्चों, बेसिकली यहां से Cl गया, यहां से Cl गया, ये आपस में ज्वाइन कर गए, ये लो CH2, ये बनेगा। yes. NBS मारोगे इसमें तो तुम्हारा ये बनेगा, एक्वस KOH दे के मारोगे तो BR हटके OH लगेगा, यही बना था बच्चों। yes. अच्छा गाइस दो चीजें और कराऊंगा मैं, एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 है सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, मेरे को ये पूछना है फॉर एनिजोल फॉर्मेशन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तुम ये लोगे या ये लोग, बताओ बच्चों ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला क्यों? सर वो Na इजीली हट जाए। हाँ सर Na आसानी से हट जाएगा। नहीं, Na तो दोनों में ही आसानी से हटा हुआ है, कुछ और रीजन दो, गिव मी अ रीजन। ओ माइनस ज्यादा स्टेबल, क्या कहा बेटा तुमने? सर BR नहीं हटेगा, BR नहीं हटेगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। और ये रिएक्शन कौन सी है बाय द वे, ये रिएक्शन कौन सी है, RX+R′ONA कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों? विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, करेक्ट, बिल्कुल सही, समझ गए बच्चों। गाइस अभी मैं तुम्हें चार रिएक्शन लिखवाने वाला हूं और उनमें से एक रिएक्शन जेई मेन में आ रखी है और कैसे आ रखी है उसका भी ध्यान देना। पहले मैं क्वेश्चन रिएक्शन लिखवा देता हूं, रिएक्शन ये एक्चुअली मुझे क्लास में लिखवानी चाहिए थी लेकिन कोई बात नहीं, इधर लिख ली रिएक्शन। बच्चों तुम्हें याद है नहीं याद है कि यू रिक्वायर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाँ है ना? Cl हटा के OH लगाने के लिए। गाइस ये रिएक्शन तुम्हारी NCERT में दे रखी है, कंडीशंस आर गिवन टू यू, और पूछा गया था इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए व्हाट इज द टेम्परेचर दैट इज रिक्वायर्ड, that is what was asked in the question, temperature I think conditions ka tha, what are the conditions required for this particular reaction to take place, NCERT mein de rakha hai,
एंड नोबडी लर्न द टेम्परेचर एंड प्रेशर, और वो गलत करके आ गए, ठीक है। बाकी मैंने कहा था तीन और रिएक्शन करेंगे हम। सर उसमें एग्जैक्ट पूछा था हाई टेम्परेचर? नहीं बेटा, एग्जैक्ट पूछा था, इसलिए मैं कह रहा होता हूँ एनसीईआरटी को तो इन एनी केस याद कर लो, एनएओएच मतलब जो मैंने लिख दिया उसको तो याद कर ही लो बेसिकली। 443 केल्विन एच प्लस, गाइस इसमें तुम रियलाइज कर रहे हो टेम्परेचर कंडीशंस माइल्ड हो गई, प्रेशर का कुछ बोला ही नहीं, क्यों कंडीशंस माइल्ड हो गई? क्योंकि एनओटू बंदे ने पॉजिटिव चार्ज फेंक दिया, तो सब्स्टिट्यूशन बिकम्स इजी। अगर दो एनओटू होते, एक और तो एक पैरा पे, और आसान हो जाता। मैंने यहां पे ये बताने के लिए नहीं किया कि हट जाएगा, मैंने इसलिए कहा था कि तुम कंडीशंस याद कर सको। NaOH टेम्परेचर कंडीशन और माइल्ड हो गई, 368 केल्विन, एंड फिर एसिडिफाई किया, हमारा क्या बन गया बच्चों? OH NO2 NO2। गाइस एक काम कीजिए, इसमें मैं जिंक डाल दूंगा तो क्या बनेगा? मेरी ख्याल से रिएक्शन तुमने जब हम हाइड्रोकार्बन के साथ बेंजीन कर रहे थे तब हमने करी है, बताओ बच्चों फील के हिसाब से बताओ जिंक क्या कर सकता है, बोलो गाइस बताओ भाई। ZNO बन जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? मतलब ऑक्सीजन हट जाएगा बेसिकली, राइट? ये बन जाएगा प्रोडक्ट, वेरी नाइस, दैट्स गुड, दैट्स नाइस। बच्चों इसमें तो रिएक्शन बहुत ही जल्दी होगी, हाँ है ना? हम कहेंगे जल्दी छोड़ो, यहाँ पे तुम्हें OH- माइनस की जरूरत भी नहीं है, यू टेक वार्म वाटर एंड इट्स डन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कंडीशन बहुत ही माइल्ड हो गई, समझ में आया या नहीं आया ये बता दो मुझे, बोलो गाइस। आ गया, वेरी गुड। किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं, वेरी नाइस। अब एक चीज बता दो, इस कंपाउंड का नाम क्या है, करा हुआ है हमने, बोलो बच्चों बताओ, करा हुआ है, कई दिन हो गए करे हुए, बोलो। ट्राइनेट्रोफिनॉल, ये तुमने ओके फाइन, ये अल्कोहल है बट इट हैज गॉट अ एसिड वाला नाम, पिक्रिक एसिड इफ यू रिमेम्बर और नॉट। अब याद आ गया होगा, याद आ गया, बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्गली, इट इज वेरी स्ट्रॉन्गली एसिडिक, इसमें COH है नहीं लेकिन हमने नाम क्या बना दिया, पिक्रिक एसिड। बच्चों क्लियर हुआ नहीं हुआ ये चीज बताओ भाई? Yes. हो गया, गुड, दैट्स नाइस, स्टॉप करते हैं बच्चों। जितनी भी हमने रिएक्शंस करी हैं अभी, दीज आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, मैं लिख देता हूं इसे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो उसी के अंडर तुम डाल देना इसे बाद में, ठीक है बच्चों? क्लियर है यहां तक? यस ओके।